और तुम्हारा ना बहुत हो गया। अब मैं ज्यादा कुछ बोलूं इससे पहले निकलो यहाँ से बाहर। बहुत जुबान चल रही है ना तुम्हारी। तुमने खुद कहा था ना मुझसे कि तुम मेरी और अगस्ती की शादी कराओगी। क्योंकि बेवकूफ थी मैं, गलती हुई है मुझसे। मम्मा सही कहती है, अंधी हो गई थी और तुम लोगों के झूठ पर भरोसा कर लिया। लगने लगा कि तुम सुधर गए हो, कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे गुड्डन कितनी बातें कर रही हो, अरे छोड़ो ना। देखो टाइम होने वाला है, 15 मिनट बोल रही थी ना अभी, और ये लोग अभी तक यहीं खड़े। कोई बात नहीं चाची जी, घर के एक्स सदस्य हैं। हम बहुत इज्जत से इस घर से बाहर फेंकती हूँ उन्हें। बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं है, मुझे ये सब बहुत पहले कर देना चाहिए था। ना ये इस घर में रहेंगे और ना ये शादी होगी। जाने देना। क्या कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने से रोक रहा हूं। निकालो मेरे कपड़े और बैग पैक करो, और मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दो। करो। तुम पति हो मेरे और मेरे साथ इसी घर में रहोगे। और वो मेरी माँ है। इस घर में वापस लाने का फैसला जो था ना, वो तुम्हारा ही था ना। तुम निकाल क्यों रही हो? अगस्ते वो दोनों शैतान हैं। तुम जानते हो ना, शैतान सिर्फ अपना रूप बदलते हैं, कभी सुधरते नहीं है। ये जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ हो रहा है, हमारे बीच में दूरियां आ रही है, ये सिर्फ मम्मी जी और मियां की वजह से। क्यों नहीं समझ रहे हो अगस्त? गलती मेरी है जो मैंने उन पर भरोसा किया, उनके झूठ को सच समझा। लेकिन अब मैं दोबारा नहीं करूंगी ये गलती। एक मिनट और उन्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी।